जिसकी पहचान है जिसका। मुझे बताइएगा आखिर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज और लव दोनों है, क्योंकि सबसे पहले तो बड़ों की रजामंदी है, क्योंकि हम लोग कजन है आपस में, ये मेरी फुप्पो के बेटे। की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, माजरीन, आपका मेजबान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कौनों को मुदस्सिर का सलाम। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बहुत ही मोटिवेशनल कपल। लोग आपको पता है सोशल मीडिया पर स्टंट लगाते हैं और वल्गैरिटी से वायरल होते हैं, लेकिन इन्होंने मोहब्बत की एक अनोखी दास्तां गाई है। माशाल्लाह, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। दीन इस्लाम की बना पर फेम हासिल किया और शादी पे नाच से वायरल हुए। बात करते हैं, जानते हैं मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अहमद, बहुत शुक्रिया फॉर आवर टाइम, आपका कीमती टाइम है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। भाभी भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जाएंगे, आपको पता लेडीज़ फर्स्ट है, जिस तरह हमारे माशरे में चलता आ रहा है, भाभी से बात करेंगे, जानेंगे भाभी कैसे देखें आइडिया आया। लोग आपको पता है सोशल मीडिया पे आते हैं, बड़े अजीबो गरीब स्टंट करते हैं और वल्गैरिटी वीडियोस चलती हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह एक इस्लाम के बिना पर आशिकाने रसूल होते हुए पेश किया, कैसे माइंड में आया? जी सबसे पहले तो अल्लाह पाक का करम है ये हम पे कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया अपने जिक्र के लिए। और दूसरी बात ये कि जब मैं 7 साल की थी तब से मैं नात खानी कर रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने अपनी शादी पे भी नात पेश की। माशाल्लाह। जी मुझे बताइएगा आखिर लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज और लव दोनों है, क्योंकि सबसे पहले तो बड़ों की रजामंदी है, क्योंकि हम लोग कज़न हैं आपस में, ये मेरी फुप्पो के बेटे। ये सोचा हुआ। अच्छा लोग देखें, मैं आपको एक चीज़ आपको माशरे की मैं डिक्लेयर करता चलूँ, लोग लव मैरिज करते हैं, सक्सेस भी होते हैं, अनसक्सेस भी होते हैं। आपकी लव मैरिज भी है, अरेंज भी है, तो आपकी स्टोरी से बड़े मैसेज गेन होते हैं। लाइक आपने एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ने आपको इज्जत दी, तो कोई मैसेज देना चाहें फर्स्ट आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इतने लंबे रिलेशंस नहीं चलाया करें। देखें, आपको मोहब्बत हो जाती है तो ये गुनाह नहीं है, इजहार करें आप, मोहब्बत हो जाती है तो सबसे पहले तो लड़की को लड़के को दोनों को यही चाहिए कि आप फौरन से निकाह करें। और निकाह में मतलब इतनी बरकत है कि आप सोच भी नहीं सकते, और हर मुश्किल काम जो है ना वो चल जाता है। तो ये कि निकाह आप करा करें, उसके बाद आप अपना मतलब आगे जहाँ मर्जी जाए पाक रिश्ते में बन जाएंगे, तो फिर आप ईजी रहें। जी बिल्कुल, मेरा भी सबको यही पैगाम है, और ख़ास कर लड़कियों के लिए मेरा ये मैसेज है कि हर उस लड़की को ये मेरा मैसेज है कि अगर आपसे कोई लड़का कह रहा है कि भाई मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, तो आप उसको बोलें कि आप लोग ये देखते हैं अक्सर लड़कियों को ये होता है कि यार उसके पास कितना पैसा है, उसकी गाड़ी कौन सी है, उसका घर कौन सा है। नहीं, ये मैटर नहीं करता रिश्ते में, रिश्ते में मैटर करती है इज़्ज़त। आप लड़के से बोलें कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मुझसे निकाह करें, मुझे इज़्ज़त दें, फिर उसके बाद की बातें हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। आजकल का जो हमारा माशरा है, लड़कियाँ देखती हैं भाई पैसा कितना है, गाड़ी होगी, घर होगा, तो ही हम शादी करेंगे, तो ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आप बस इज़्ज़त देने वाले लड़के को सपोर्ट करें और डायरेक्ट निकाह करें, और निकाह को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। तो आपस में सबसे पहले बड़ों की बात हुई थी, तो जब हमने देखा कि भाई बड़ों की रजामंदी, बड़ों की खुशी है, तो फिर हमारे बीच में भी फिर रिलेशन हो गया। अहमद भाई बड़े एक्साइटेड हैं जी माइक की तरफ आने के लिए, बात करेंगे। अहमद भाई, आपको लोग कह रहे हैं कि आप कराची से हैं, आपकी लैंग्वेज कराची की है, भाभी लाहौर से हैं, ऐसा ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं लाहौर से हूँ। अब ये कि ये कराची जा जा के ना वो लैंग्वेज मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हो ही जा रही है, क्योंकि ये कराची की हैं जी। अब ये होता है कि जो है ना, जब मैं मतलब आती है ना ये लाहौर से जाएंगी कराची, तो कराची वाले कहेंगे तुम तो पंजाबन बन गई हो, और फिर जब मैं जाऊंगा मतलब कराची से लाहौर आऊंगा तो कहेंगे अबे क्या हो गया, कराची की बोली सीख के आ गए हो ऐसे। अच्छा मैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। फैमिली में क्या कमेंट्स हैं? देखिए सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आप माशाल्लाह मीडिया सेंसेशनल बने हुए हैं इस टाइम, हर चैनल की जीनत बने हुए हैं, ये बहुत कम मिलता है कि अल्लाह आपको एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट दे दे, बड़ी बात है। फैमिली में क्या कमेंट्स चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, और वो तो समझें एकदम से,
जो खुशी के आंसू आते हैं ना वो भी उनको मतलब हुआ, फिर काफ़ी वो खुश हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि यार अच्छे काम से हम आगे बढ़ें, ना कि हम नाच गाने से या इससे बढ़ें। तो काफ़ी घर वाले खुश हैं। और फिर इस्लामिक हम ज़्यादातर अपनी शादी में भी ज़्यादातर महफिल्स वगैरह करते हैं, तो सारे खुश हैं और इस चीज़ से काफ़ी हमें सपोर्ट भी करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम करा। माशाल्लाह से सब बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारी फैमिली ख़ास करके जैसे अहमद की फैमिली, मेरा ससुराल और मेरा मायका, मतलब मेरी फैमिली, सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमें इस चीज़ में। सारे सपोर्टिव हैं, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना कि लड़कियों को ससुराल में लोग बहुत कम ही सपोर्ट करते हैं, बहुत मतलब इंसान अपना फ्यूचर आगे नहीं लेके जा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सारी सपोर्टें हैं, मेरे ससुराल में से भी और मेरे घर में से भी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी एज ना कपल बड़ा प्यारा है माशाल्लाह से, लुक लाइक भी सेम है, और एज में क्या डिफरेंस है मैं भाभी से पूछूं? जी हम दोनों की सेम एज है, 18 इयर्स। तो ये रैंडम था नादिया था कि यार मैं कुछ इंशाल्लाह से ऐसा कुछ करूंगी कि जो अलग हो जाएगा, तो प्लानिंग थी या रैंडम था? देखिए प्लानिंग तो ये थी, लेकिन हमें मतलब हमने फेम हासिल करने के लिए बिल्कुल नहीं करा था जी, और वीडियोस का भी हमें नहीं पता था कि भाई इस तरीके से वीडियो वायरल होगी। वो बस अहमद ने जो है किसी बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया अपना कि लाए बनात पड़ी तो तुम वीडियो बना दो, तो उसने जब वीडियो बनाई है तो वो बस ऐसे ही अहमद बैठे हुए थे रात में, इन्होंने कहा कि वीडियो तो बड़ी अच्छी बनी है हम अपलोड करते हैं, इन्होंने अपलोड कर दिया, माशाल्लाह वो वायरल हो गई जी। लोग जानना चाहेंगे दूल्हे राजा आखिर करते क्या हैं? जी इनका ना अपना रेस्टोरेंट है GFC के नेम से, इनके बड़े भाई क्या मतलब सारे भाइयों का है वो, तो ये भी वहीं पर होते हैं। अहमद भाई सोशल मीडिया पे आ गए, हाइप मिल गया, फेम मिल गया, तो क्या कुछ ऐसा स्टंट सोचा कि अब इसी पे लग जाना? जी काफ़ी मतलब घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अब मैंने आज मैं माइक भी लेके आया हूँ कि थोड़े बहुत मतलब नाते वगैरह पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह मतलब कामयाब होते रहना। लोग एक्साइटेड हैं, ये हो नहीं सकता कि आपकी आवाज़ सुने बगैर वो यहाँ से चले जाएं, तो कोई मोहब्बत भरा पैगाम, कोई ऐसी चीज़ पेश करना चाहें? जी ज़रूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही हूँ। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, और अर्शे आजम से जिसकी बड़ी शान है, रोजाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोजाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ आपने ऑन स्क्रीन सुनी है, मैं तो ऑफ कैमरा भी सुन रहा हूँ, माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। अच्छा, लोग आपकी खिदमात अगर लेना चाहें अब या अपने प्लेटफॉर्म से कोई आप पैगाम देना चाहें तो लोग ये जानना चाहेंगे किस तरह? जी हमारे जो है ना ये के चैनल हैं हमारे लाइबा फातिमा लाइफ महफिल और लाइबा फातिमा ऑफिशियल, जो लाइबा फातिमा लाइफ महफिल से मतलब हमारी जो वीडियो वायरल भी हुई है वो भी उधर हैं, जो एक 3 मिलियन पे पहुंचने वाली है और एक 2.3, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे अपना, तो आप महफिल के लिए वहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद थे मोटिवेशनल पाकिस्तान का यूनिक कपल, दे हैव अ यूनिक बिकॉज कि उन्होंने काम वो किया है जो शादियों पे आमतौर पे नहीं होता। लोग स्टंट करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन इन्होंने इस्लाम की बिना पर अल्लाह ने इनको इज्जत दी। इनकी स्टोरी के लिए और इनके जोड़े के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें और देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते होंगे सुनते कानों को।